ते छात्राः भवतां स्वागतं पुनः इदानीम् अस्माभिः किञ्चित् यजुर्वेदस्य वैशिष्ट्यविषये द्रष्टव्यं वस्तुतः वेदस्य कस्य वेदस्य चतुर्णामपि वेदानां मध्ये कस्य वेदस्य वैशिष्ट्यं वर्तते कस्य नास्ति इत्यादि प्रश्नः नास्त्येव तथापि आचार्यसायणेन सर्वप्रथमं यजुर्वेदस्य भाष्यं कृतं तद्विषये यदा ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां

महत्व वैशिष्ट्यम वर्तते अतः तस्य व्याख्या तस्याः इजुर्वेदीय शाखायाः व्याख्या सर्वप्रथमं तेन विहिता इति सः तत्र सम्यक प्रतिपादयति तदनुसृत्य एव वै, इजुर्वेदस्य वैशिष्ट्य विषये वयम् किञ्चित् पश्यामः का वैशिष्ट्य किस प्रकार कैसे और किनके मत में ऐसा है कि सर्व सभी वेद एक एक ही था तो कालांतर में बुद्धिमालिन्यादि के संभावना को देखते हुए अध्ययन के सौकर्य के लिए भगवान वेदव्यास जी ने वेद को चार भागों में विभक्त किया भारतीय सनातन संप्रदाय में शास्त्रकारों ने वेद को अपौरुषेय कहा है अपौरुषेय वाक्यम वेद ऐसा लक्षण भी आचार्यों ने बताया है अतः कौन सा वेद प्रधान है कौन सा वेद अप्रधान है और वेदों में कौन सा प्राचीन है और वेदों के बीच में कौन सा अर्वाचीन है इत्यादि विचार सर्वथा तर्कहीन है और एवं अयुक्त है फिर भी यजुर्वेद का वैशिष्ट्य ऐसा क्यों कहा गया इस प्रश्न पर ये उत्तर दे सकते हैं कि यज्ञ कर्म के संदर्भ में यजुर्वेद का वैशिष्ट्य एवं याज्ञिक संप्रदाय के अनुसार भाष्यकारों ने भाष्यकर्ताओं ने सायणादि महिधरादि उत्कृष्ट भाष्यकर्ताओं ने यजुर्वेद का वैशिष्ट ग्रहण किया है अतः यजुर्वेद का वैशिष्ट व्याख्यान पद्धति के अनुसार जानने की हम चेष्टा करेंगे यह हम देखते हैं सायनाचार्य मत क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम शाखाओं का ही प्रथम व्याख्यान किया है उनकी शाखा तैतरीय एवं सूत्र उनका बौधायन था अतः उन्होंने सर्वप्रथम तैतरीय संहिता की व्याख्या लिखी आचार्य सायण ऋग्वेद संहिता के भाष्य उपक्रम में उन्होंने इस बात को उठाया और समाधान भी प्रस्तुत किया कि वे सर्वप्रथम की व्याख्यान क्यों किए और क्या कारण एवं महत्व था ऐसा करने का तो इसका उत्तर है यज्ञ कर्म कर्म में अध्वर कर्म सबसे प्रधान है और अध्वर कर्म यजुर्वेद में ही वर्णित है यज्ञ कर्म में अध्वर्य नामक ऋत्विक ही सबसे प्रधान होता है इसका प्रमाण अध्यय शब्द की व्युत्पत्ति से ही हम ज्ञात हो सकते हैं जैसा कि कहा गया है निरुक्त में अध्वर्यु अध्य नेता अध्वर्यु अर्थात यज्ञ का यज्ञ को जोड़ता है और यज्ञ का नेता है अध्वर्यु नामक ऋत्विक अध्वर्य प्रधानता ऋग्वेद के एक ऋचा के माध्यम से कहता है वेदपुरुष इस प्रकार ऋचां तोषमास्ते कुष्वाण गायत्रो गायत्री ब्रह्मात्वो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः इति ऋत्विक कर्मणां विनियोगम आचष्टे इस प्रकार इस मंत्र का तात्पर्य यास्क महर्षि प्रतिपादित करते हैं यज्ञ के समय होता नामक एक ऋत्विक ऋचाओं की पुष्टि करता है पुष्टि अर्थात ऋग्वेद शाखाओं में यहाँ वहाँ अर्थात भिन्न भिन्न प्रदेशों में विद्यमान ऋचाओं को एकत्र संग्रह करके शस्त्र नामक तवन से पाठ करता है यज्ञों में इसी प्रकार उद्गाता नामक ऋत्विक ऋचाओं का सामगान करता है ऋचाओं का सामगान करता है कैसे इतस्तः विद्यमान ऋचाओं को एक गान में बांध करके वो सोमयागा श्रोत यज्ञों में सामगान करता है इसी प्रकार ब्रह्मा नामक एक ऋत्विक यज्ञ के समय तदा तदा उत्पन्न दोषों का प्रायश्चित परिहार आदि बताता है मनसा संस्कृति ब्रह्मा इत्यादि वाक्यों में से यह अर्थ स्पष्ट देख सकते हैं ब्रह्मा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उन त्रुटियों का परिहार करता है और ब्रह्मा के अनुज्ञा से ही प्रणयन आदि कर्म यज्ञ में संपन्न होता है ब्रह्मन अपप्रणय श्यामी इत्यादि अः ब्रह्म नव प्रणय यजमान वाच इत्यादि वाक्यों से हमें मंत्रों से यह सब स्पष्ट है ब्रह्म का कर्म लेकिन यहाँ ध्यातव्य बात यह है कि अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक ही यज्ञ शरीर का निर्माण करता है इसीलिए वह अध्वर्यु कहलाता है क्योंकि अध्वर्यु शब्द का अर्थ ही यज्ञ को निर्माण करने वाला और यज्ञ का नेता इस प्रकार है इसीलिए महर्षि यास्क भी युजुष शब्द का अर्थ यजनार्थक बताते हैं यजुर्यजते है। इसलिए यज्ञ मात्रा विमिमी विमिमीत उत् मीयते निर्मीयते इस व्युत्पत्ति के साथ अध्यय शब्द है तो ऐसी स्थिति में यजुर्वेद से निष्पन्न यज्ञ शरीर के आश्रय से ही शस्त्र एवं सामगान आदि का पाठ होता है अतः यज्ञ रूपक शरीर संपादन के कारण यजुर्वेद ऋक और साम का उपजीव्य है अर्थात आधार है इसीलिए यजुर्वेद का भाष्य आचार्य आदि ने पहले प्रस्तुत किया यह बात भाष्य के उपक्रम में एक श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से आचार्य सायण प्रस्तुत करते हैं यज्ञो ब्रह्मच वेदेश्वर्थ कांडयो अध मुख्य ऋत् चतुर्भसंप्रदमीते क्रियासंघ्वर्युम वपु यज्ञ यजुर्भवु निर्मीते तथो यजु व्याख्या पश्चात ऋचा व्याख्या सां मृगाश्रित वर्ण्यते अतिसु जिज्ञास व्याख्याक्रमो अयत संहिता के भाष्योपक्रम में आचार्य सायण एक वाक्य कहते हैं जो सर्वथा स्मरण योग्य है और चिंतन योग्य है कहते हैं भित्तिस्थनी यजुर्वेद चित्रस्थनीय इतरो अर्थात यजुर्वेद भित्तिस्थनीय है अन्य ऋक् और साम चित्रस्थान है जैसे चित्रकार के लिए भित्ति आधार है वैसे यज्ञकर्म का आधार यजुर्वेद है और सामवेद के भाष्य के उपक्रम हैं वे और भी आगे चलकर कहते हैं जाते देहे भवत्य कटकादि विभूषणम आश्रित मणिमुक्तादि कटकादो यथा तथा यजुर्जा यज्ञ सदिस्त विभूषण सामाख्या ऋक्षुतासु समाश्रिता अतः यजुर्वेद का वैशिष्ट यज्ञकर्म के अनुसार सर्वोपरि है महत्व की दृष्टि से सब समान है यह वैशिष्ट केवल यज्ञ कर्म के आधार पर ही सायणाचार्य ने जैसा प्रतिपादन किया वैसा यहाँ बताया गया इस विषय में यथा समय विस्तृत चर्चा और भी करने लायक है और हम करेंगे जाते देहे भवत्यस्य कटकादि विभूषण देह उत्पन्न होने पर ही मणिमुक्तादि कटकादि विभूषण जो है आभूषण जो है जब देह होगा तभी ना संभव होगा तो कटकादि विभूषण के ऊपर मणिमुक्तादि जो आभरण है रत्न है वो सब उसके ऊपर चढ़ता है अतः सबसे मुख्य है देह देह के ऊपर ही आभरण और आभरण के ऊपर ही रत्नादि चढ़ाई जाती है अतः यजुर्वेद शरीर है शरीर मुख्य है यज्ञ शरीर मुख्य है यज्ञ शरीर का निष्पाद निष्पादन करने से यह यजुर्वेद अत्यंत महत्व को प्राप्त करता है इसीलिए इस विषय पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ यह विचार केवल यज्ञ कर्म के आधार पर यजुर्वेद का वैशिष्ट्य इस प्रकार हमें ज्ञात होता है अतः अंततोगत्वा एक ही वाक्य हमें ध्यातव्य है यजुर्वेद के वैशिष्ट्य के विषय में भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्रस्थानीय इधर जब तक भित्ति है उसी के ऊपर चित्र बनाई जा सकती है हवा में नहीं अतः भित्तिस्थानीय स्थानीय शरीर स्थानीय यह यजुर्वेद अत्यंत वैशिष्ट्य को प्राप्त है तो इस प्रकार यहाँ इस विचार को रखा गया